नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का सैयद हैदर रज्जा, उसका जो लेसन है आत्मा का ताप, उसके अभ्यास के प्रश्नों को। तो वैसे तो हमने सैयद हैदर रज्जा का जो जीवन परिचय है ना भाई, वो पहले वाले वीडियो में भी कर लिया था, लेकिन इसमें भी मैं आपको ये करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो सैयद हैदर रज्जा का जन्म 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बाबरिया गांव में हुआ है। थोड़ा सा रिपीट जल्दी करूँगा भाई, क्योंकि वीडियो बड़ा ना बने इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा। उन्होंने स्कूली शिक्षा नागपुर बोर्ड से पास की है। उन्होंने गोंदिया में ड्राइंग टीचर की नौकरी की। उन्होंने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जेज स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। उन्होंने भारत में अपनी कला की अनेक प्रदर्शनियां आयोजित की। इसके बाद 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार से छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और वहां चित्रकला का अध्ययन किया। उन्होंने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। इन्हें ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सैयद हैदर रज्जा कलाकार तो थे ही, साथ ही अच्छे लेखक भी। इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है आत्मा का ताप या आत्मकथा। विशेषताएं, आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया आधुनिक मुहावरा दिया, उनमें सैयद हैदर रज्जा का नाम महत्वपूर्ण है। रज्जा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में आदरणीय नहीं है, बल्कि वे हुसैन व सुजा के समान महान कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय चित्रकला में प्रसिद्धि दिलाई है। भाई, इनमें हुसैन घुमकड़ी स्वभाव के होने के कारण भारत में ही रहे, सुजा न्यूयॉर्क चले गए, रज्जा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रज्जा की कला में भारतीय एवं पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। वे लंबे समय तक पश्चिम में रहे तथा वहाँ की कला की बारीकियों का अध्ययन किया। वे ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी नई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु की तरफ इनका झुकाव इनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झारिया ने कराया था। रज्जा की कला और व्यक्तित्व की उदारता, व्यक्तित्व में उदारता है। इनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। इनकी कला को भारत सहित दूसरे देशों में सराहा गया। इन पर रुडोल्फ वान लेडेन, पियर गोदिबेर, गीति सेन, जाक लासे, मिशेल अम्बेर आदि ने मोनोग्राफ लिखे हैं। तो भाई, इसमें है ना कुछ वो थे कठिन शब्द, क्रूर कठोर है, आत्मसात मन में ग्रहण करना, उबर यानी मुक्त होकर के ध्वंस नष्ट होना, स्थानीय वहीं का होकर रहने वाला, शहराती शहर का रहने वाला, प्रतिभा कला शक्ति संयोजन मेल दक्ष कुशल संग्राहक इकट्ठा करने वाला, विश्लेषण जांचना परखना, त्रासदी दुग्ध घटना, सामर्थ्य शक्ति, वारदात घटना, संदिग्ध संदेह से मुक्त, अक्कल गुम होना, बुद्धि नष्ट होना, राम कहानी घटना यानी घटना संबंधी सभी बातें, स्केच रेखाओं से बने चित्र, ठिकाना रहने का स्थान, गलीज गंदा, उद्घाटन शुरुआत करना, रिटायर कार्य से मुक्त, पेशकश प्रस्ताव, गैलरियां चित्र प्रदर्शनी की जगह, डिजाइनर नए रूप बनाने के दौर सिलसिला, क्रूर कठोर आत्मसात मन में ग्रहण करना, उबर मुक्त होकर के ध्वंस नष्ट होना, स्थानीय वहीं का होकर रहना, शहराती शहर वाला। तो इस तरह से हमने ये जो है ना शब्दार्थ देखे हैं। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपका सिलेबस है
इस लॉकडाउन के चलते बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा रहा हूँ। आप अनवरत रूप से मेरे पीछे के वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तक हमारी आज कंप्लीट होने को जा रही है। इसके बाद हम वितान है उसको पूरा करेंगे। तो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सभी क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर उपलब्ध हैं। उनके वीडियो भी हैं और अनुवाद भी हैं। तो आप अपनी बेहतरीन एजुकेशन के लिए वो सारे वीडियो भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। भाई लाइक करना मत भूला करो, शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो। आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें, अच्छा नहीं लगता है तो भी कमेंट करें। तो पहला प्रश्न, आइए समय खराब न करते हुए, रज्जा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों स्वीकार नहीं की? तो लेखक को मध्य प्रांत की सरकार की तरफ से मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने के लिए छात्रवृत्ति मिली। जब वे अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र देकर के मुंबई पहुंचा तो दाखिले बंद हो चुके थे। सरकार ने छात्रवृत्ति वापस ले ली थी तथा उन्हें अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। लेखक ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने मुंबई शहर में रहकर अध्ययन करने का निश्चय कर लिया था और उन्हें यहाँ का वातावरण, गैलरियाँ व मित्र पसंद आए थे। चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए मुंबई, जो अब बम्बई, जो अब मुंबई है भाई, अच्छी जगह थी। चित्रकारी सीखने की इच्छा के कारण उन्होंने यह पेशकश ठुकरा दी थी। अगला प्रश्न है भाई, भले ही 1947-48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हों, मेरे लिए वे कठिन वर्ष थे, रज्जा ने ऐसा क्यों कहा? रज्जा ने उन्हें कठिन वर्ष इसलिए कहा क्योंकि इस दौरान उनकी मां का देहांत हो गया, पिताजी की मंडला लौटना, पिताजी को भी मंडला लौटना पड़ा, अगले साल उनका देहांत हो गया। इस प्रकार उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आ पड़ी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ परंतु विभाजन की त्रासदी थी। गांधी जी की हत्या भी 1948 में हुई। इन सभी घटनाओं ने लेखक को हिला दिया और इसलिए वो उन्हें कठिन वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, रज्जा की ने के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तो रज्जा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकारों में सेंजा वान गाज, गोंगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्राक थे। इनमें वे पिकासो से सर्वाधिक प्रभावित थे। अगला जो प्रश्न है, नंबर एक पे जो प्रश्न है भाई, ये प्रश्न रह गया था, ये थोड़ा सा गलत जगह पे लग गया था। नंबर एक पे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न अभी देखते हैं कहाँ छूट गया था वो पहला प्रश्न भाई। चलिए आगे देखते हैं, ये तीन का हमने कर लिया है, चार ये भी हमने कर लिया, ये जो पहला प्रश्न है ना भाई उसका उत्तर है, वो प्रश्न भी मिलेगा आपको शायद लास्ट में। देखिए अगला प्रश्न, रज्जा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या हो, क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते? तर्क सहित उत्तर दीजिए। भाई रज्जा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो भी वे एक जाने माने चित्रकार होते। इसका कारण यह है कि उनके अंदर चित्रकार बनने की अदम्य इच्छा थी। लेखक बचपन से ही प्रतिभाशाली था, वह आजीविका का साधन मिल गया था, परंतु उसे सरकारी नौकरी छोड़ करके चित्रकला सीखने के लिए कड़ी मेहनत की। मेहनत करने वालों का साथ कोई न दे, साथ कोई ना कोई दे देता है। जलील साहब ने भी उनकी प्रतिभा, लगन व मेहनत देख करके उनकी सहायता की। भाई लेखक के उत्साह, संघर्ष करने की क्षमता, काम करने की इच्छा से ही उन्हें महान चित्रकार बना दिया। अगला प्रश्न है, तुम्हारे चित्रों में रंग भावना और है लेकिन रचना नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है, आधार नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर के वह टिकता है। यह बात किसने किसके संदर्भ में कही?
और रज्जा का इस पर क्या प्रभाव पड़ा, दो उत्तर आएंगे। तो पहला देखिए भाई, यह बात प्रख्यात फोटोग्राफर हेनरी कीर्ति ब्रेंसा ने श्रीनगर की यात्रा के दौरान सैयद हैदरजा के चित्रों को देखकर कही थी। उनका मानना था कि चित्रों में भवन निर्माण के समान सभी तत्व मौजूद होने चाहिए। चित्रकारी में रचना की जरूरत होती है। उसने लेखक को सेजा के चित्र देखने की सलाह दी। अगला है, फ्रेंच फोटोग्राफर की सलाह का रज्जा पर गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौट करके उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए अलायंस फ्रांस में अलियांस फ्रांस में दाखिला लिया। उनकी रुचि फ्रेंच पेंटिंग में पहले से थी, अब वे उनकी बारीकियों को समझने का प्रयास करने लगे। इस कारण उन्हें फ्रांस जाने का अवसर मिला। अगला प्रश्न है भाई, चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है, इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। भाई लेखक का यह कथन अक्षरन सही है। जो व्यक्ति इस कला को सीखना चाहते हैं उन्हें व्यावसायिकता छोड़नी होती है। व्यवसाय में व्यक्ति अपनी इच्छा से अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, वह धन के लालच में कला के तमाम नियम तोड़ देता है तथा ग्राहक की इच्छा अनुसार कार्य करता है। उसकी रचनाओं में भी गहराई होती है। ऐसे लोगों का भविष्य कुछ नहीं होता। जो कलाकार मन व क्रम से इस कला में काम करते हैं वे अमर हो जाते हैं। उनकी कृतियां कालजयी होती हैं, उन्हें पैसे की कमी भी नहीं रहती, क्योंकि उच्च स्तर की रचनाएं बहुत महंगी मिलती हैं। वर्तमान दौर में भी चित्रकला का भविष्य उज्ज्वल है। अगला प्रश्न है भाई, हमें लगता है कि हम पतझड़ पहाड़ हिला सकते हैं, आप किन क्षणों की में ऐसा सोचते हैं? जब व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता और उत्साह होता है ना भाई, तब वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास तब आता जब कोई समस्या आती है, मैं उसे गंभीरता से विचार करता हूँ तथा उसका सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश करता हूँ। ऐसे समय में मैं अपने मित्रों व सहयोगियों का साथ लेता हूँ। समस्या के शीघ्र हल होने पर हमें लगता है कि हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। आइए कुछ बोधात्मक प्रश्न हैं उनको पढ़ते हैं। कश्मीर के प्रधानमंत्री को लेखक को कैसा पत्र दिया था भाई, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने उन्हें एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि ये भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार लेखक बस से बारामूला से लौट रहा था, वहाँ पुलिस वाले ने शहरी आदमी को देख करके उन्हें बस से उतार लिया। पुलिस वाले ने पूछताछ की तो लेखक ने उसे शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। पुलिस वाले ने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगी। अगला प्रश्न है, लेखक को आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? भाई 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुंबई में एक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई जिसमें सभी बड़े बड़े नामी चित्रकारों को आमंत्रित किया गया। लेखक उन दिनों सामान्य कलाकार था, वह प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। हालांकि उनके दो चित्र इस प्रदर्शनी में रखे गए थे। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर लैंगहैमर कौन थे, उन्होंने रज्जा को की कैसे सहायता की? भाई प्रोफेसर लैंगहैमर वेनिस एकेडमी के प्रोफेसर थे। रज्जा के चित्र देख करके उन्होंने प्रशंसा की तथा काम करने के लिए उसे अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। लेखक दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता था, शाम को उन्हें चित्र दिखाता। प्रोफेसर उन चित्रों का बारीकी से विश्लेषण करता। धीरे धीरे वे सबके चित्र खरीदने भी लगे। इस प्रकार उन्होंने रज्जा को आगे बढ़ने में सहयोग दिया। अगला प्रश्न है, कला के विषय में रज्जा के विचारों पर प्रकाश डालिए। रज्जा का मत है कि चित्रकला व्यवसाय नहीं है बल्कि अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। वे कठिन परिश्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें हैरानी है कि अच्छे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। युवाओं को कुछ घटने का इंतजार नहीं करना चाहिए तथा कुछ खुद है ना नया खोजना चाहिए। धन के बारे में हैदरजा की राय क्या है? अगला प्रश्न,
तो भाई लेखक को धन को जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस भरनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है, वे धन को प्रमुख मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है। आत्मकथा पाठ का जो प्रतिपाद्य है वो बताइए भाई। यह पाठ रज्जा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। इसमें रज्जा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का इसका जुनून, ये सारी चीज़ें रोचक शैली में बताई गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने इस लेसन के प्रमुख प्रमुख प्रश्नों को कर लिया है। आप इन सभी प्रश्नों को लिख लें और अच्छी तरह से याद कर लें। आप बने रहें मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो तक, अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे आपकी नई पुस्तक वितान, उसका पहला जो लेसन होगा लता मंगेशकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।